तो भाई लोग कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम जो है फेस चेंज इफ़ेक्ट जो है बना सकते हैं, या फिर फेस चेंज वीडियो जो बना सकते हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। वो मैंने आपको अपनी लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, जो कि हमने बताया था एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बिना किसी प्लगइन के। ठीक है, तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके इस वीडियो का ट्यूटोरियल, ये जो फेस चेंज वीडियो है, इसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज जो है हम बनाने वाले हैं एक और नए तरीके से फेस चेंज वीडियो, जो इस सीन के ऊपर बनाना है। और इसको हम बनाएंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो मोका प्रो होता है, मोका प्रो सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए जो है हम इस सीन में फेस चेंज इफेक्ट लाने वाले हैं। तो ये जो है फेस चेंज इफेक्ट का दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें हम यूज़ करेंगे मोका प्रो। तो दोस्तों सबसे पहले मोका प्रो जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको अगर पता नहीं है तो मोका प्रो एक अलग सा एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलग से एक मतलब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इसके अलावा जो है वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट में भी आपको जो है इसके अंदर भी एक एक्सटेंशन या प्लगइन के हैं, एक प्लगइन की तरह यूज़ होता है। सो गाइस, आज के वीडियो में जो है हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर में मोका प्रो का यूज़ करके हम जो है फेस चेंज करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ आपको मल्टीपल लेयर नज़र आ रहा होगा। तो ऑलरेडी जो है मैंने कल के ट्यूटोरियल में जो मैंने जो अपना पहला जो ट्यूटोरियल था उसमें ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो अभी जो मेन है, मेन चीज़ ये है कि ये हमारा वीडियो लेयर है, बाकी सबको जो है हम ऑफ़ कर देते हैं। और ये जो है हमारा वीडियो लेयर है और इस पे हमको वर्क करना है। तो वीडियो लेयर एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है सीन है, इसमें हमको जो है फेस चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार एक डुप्लीकेट लेयर बना देते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ, और ऊपर वाला लेयर है इस पे हम वर्क करेंगे। तो आपको जो है मोका प्रो इंस्टॉल कर लेना है एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो मैंने जो है मोका प्रो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल है, यहाँ से हम मोका प्रो सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोका प्रो का ऑप्शन आ गया। इसको यहाँ से ड्रैग करके हम इस वाले लेयर में, जो ऊपर वाला लेयर है उस पर हम लेके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है इफेक्ट एंड जो कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर मोका प्रो आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में इस वाला जो मोका का जो यहाँ ये इस जगह में हमको क्लिक करना है और यहाँ से जो है हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो मोका प्रो के अंदर में जो है ये हमारा क्लिप आ चुका है अब। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही फुल सीन हो जा रहा है तो इसको हम थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। और हमारा जो क्लिप है उसको हमको जहाँ तक हमारा है वहीं तक ही हमको ट्रिम कर लेना है, वरना ये पूरा जो क्लिप मोका प्रो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम, तो यहाँ से सीन चेंज हो रहा है, थोड़ा कैमरा चेंज हो रहा है, तो यहीं तक हम रखेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि जो मोका प्रो के अंदर भी है ये हमारा यहीं तक ही रहे। तो इस वाले मोका प्रो को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, इस वाले लेयर का। तो ये वाला लेयर है और इस पर हमको वर्क करना है। तो अब वापस से हम जाते हैं मोका प्रो में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो फुल वीडियो नहीं है, जहाँ तक हमने स्प्लिट किया है, ट्रिम किया है, वहीं तक ही हमारा वीडियो क्लिप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर फेस को ट्रैक। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा ये वाला पिन टूल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे कीबोर्ड पे अगर हम जेड प्रेस करके, अगर हमारा जो माउस है उसको क्लिक करके अगर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये जूम होगा और एक्स में जो है हैंड टूल आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम जो है अपना ये पेन टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे और फेस के और जो है हमको मास्क करना है। तो इस तरह से जो है हम फेस को, मास्क कर देते हैं।
तो ये हमारा जो फेस मास्क हो गया है, यहाँ से एस वाला आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, इसको हमको क्लिक करना है और इसको जो है हम फेस के अंदर सेट कर देते हैं ताकि जो ट्रैकिंग है वो फेस पे रहे और उसके हिसाब से हमारा जो फेस का जो ट्रैक है वो सही से हो। हमारा टाइमलाइन सबसे स्टार्टिंग में है। अब यहाँ से हम इस वाला ट्रैक, इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से ट्रैक करेगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर अगर हमें लगता है कि हमारा ट्रैकिंग जो है थोड़ा मिसमैच है या कहीं पर कुछ गलत है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट में जो है यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम जो है थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सप्रेस करके हम इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमको फेस ऐड करना है मोका प्रो के अंदर में। तो जैसे कि मैंने पहले जो ट्यूटोरियल, पहला ट्यूटोरियल है, उसमें बताया था कि आपको जो है एक फेस, जो फेस आप लगाना चाहते हैं उसका एक ट्रांसपेरेंट PNG इमेज होना चाहिए, जिसमें सिर्फ फेस हो और बैकग्राउंड वगैरह जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, वो इरेज हो। तो ऐसा ही इमेज जो है आपको क्रिएट कर लेना है, चाहे वो आप मोबाइल पे इरेजर एप्लीकेशन की मदद से करें या फिर आपके पास अगर फोटोशॉप है तो उस पर भी आप कर लीजिए, ट्यूटोरियल वगैरह देख लीजिए। आपको अगर नहीं आता है तो उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए किस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट रखना है। तो मैंने जो है एक ऐसे ही इमेज क्रिएट करके रखा है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, इंसर्ट क्लिप का ऑप्शन यहाँ पर आपको आएगा, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है और यहाँ से इंपोर्ट में हम क्लिक करेंगे तो ये वाला बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से चूज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज जो है ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है जिसमें सिर्फ हेड है, बाकी ट्रांसपेरेंट है। इसको हमको इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आ चुका है। तो अब जो है हम इसको इस फेस पे सेट हम कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने जो फेस है उसको यहाँ सेट कर दिया है और अब अगर हम यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं प्ले का बटन करता हूँ तो यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से जो है ये हमारा फेस जो है इस पे सेट हो गया है। तो यहाँ पर जो है हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सही तरीका है, सही तरीके से हमको फेस को सेट यहाँ करना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात और है कि यहाँ अगर मैं टाइमलाइन को इस तरह से स्ट्रेच करूँ तो यहाँ आप देखेंगे ये वाला जगह, यहाँ पर जो है ये जो लैम्प है ये फेस के पीछे आ जा रहा है, तो इसको हमको फ्रंट में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो टाइमलाइन है सबसे आखिर में ले जाते हैं और आखिर से जो है हमको बैकवर्ड में इसको ट्रैक करेंगे। तो फिर से जो है मैं एक पेन टूल को अगर मैं क्लिक करूँगा और हम जो है यहाँ मास्क करेंगे इस वाले जो लैम्प है, इसको हम इस तरह से मास्क कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर रफली जो है मैंने मास्क कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एस का बटन है वो क्लिक है तो इसको भी हम जो है इस लैम्प के सेंटर में कर देते हैं ताकि इसको ये सही तरीके से ट्रैक करे। अब दोस्तों यहाँ से बैकवर्ड में हमको जो है ट्रैक करना है क्योंकि हमारा टाइमलाइन सबसे आखिर में है, तो हमको जो है पीछे की ओर ट्रैक करना है। तो यहाँ से हम जो है इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है ये बैक में ट्रैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि इसके आगे जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पर्सन, ये वाला पर्सन है, इसको हम यहाँ तक हमको चाहिए। तो ये हमारा ट्रैकिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हमको सेव कर देना है। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको सेव प्रोजेक्ट, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो गया। अब यहाँ से जो है हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये चीज़ जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से मोका में, यहाँ पर अगर देखें
तो मॉड्यूल रेंडर्स का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको चेक मार्क देने के बाद इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करके इंसर्ट कॉम्पोजिट को हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो हमारा इमेज है जो हमने मोका प्रो के अंदर हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ भी आ चुका है। और इसको हम प्ले करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये सेट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इस यहाँ पर जो है इस सीन में हमको लैम्प को आगे रखना है, तो इस वीडियो में भी हम हमारा जो टाइमलाइन है उसको सबसे आगे में सेट करते हैं, लास्ट फ्रेम यहाँ से। अब इसके बाद में हमारा जो नीचे वाला लेयर है जो हमने क्रिएट किया था, मतलब जिसका हमने डुप्लीकेट किया था, इसको हम एक बार फिर से कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर देंगे और इसको भी हम जो है स्प्लिट कर देंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके इसको स्प्लिट कर देता हूँ और आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट करने के बाद इसको जो है हम ड्रैग करके यहाँ से इस लेयर के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर से वापस में चले जाते हैं हम यहाँ पर। और अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लेयर है जो हमने लैम्प जो है उसको हमने ट्रैक किया था, इसको हमको कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट शेप एंड डेटा में जाएंगे और यहाँ पर अगर देखें तो मोका शेप एंड डेटा फॉर AE लिखा हुआ है, यानी कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट। अगर आपका ये सिलेक्ट नहीं है तो आपको जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसको जो है हम क्लोज कर देंगे। अब हमारा जो ऊपर वाला लेयर है जो हमने मतलब लिया हुआ है ऊपर वाला लेयर, सबसे शुरू में हम रखेंगे इसको हमेशा, जैसे कि रहना चाहिए, तो सबसे स्टार्टिंग में हम रखेंगे इसको। और इसके बाद में हम एडिट पे जाएंगे और सबसे नीचे में पेस्ट मोका मास्क का ऑप्शन है, इसको हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर हम अगर सबसे आखिरी में जाएंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लैम्प है वो फेस के आगे आ गया है। तो इस तरह से जो है आप मोका प्रो के अंदर में फेस चेंज वीडियो बना सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है कि आज का जो वीडियो जो ट्यूटोरियल है जो मैं बताना चाहता था आपको समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की। और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का ट्यूटोरियल आपको मिलते रहे और साथ ही मेरी जो एडिटिंग वीडियो है वो भी आपको देखने को मिले इस चैनल पर। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।